कांग्रेस ने सोमवार को फिर कहा कि उसके राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से संबंधित परिसरों से बड़े पैमाने पर नकदी की जब्ती से उसका कोई लेना देना नहीं है तथा इस विषय पर खुद साहू जवाब देंगे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा था, साहू के परिवार के स्वामित्व वाली वैद्य डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी लिए जाने के दौरान 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में 350 करोड़ रुपए नहीं देखे। अगर आप पूछेंगे कि 350 करोड़ में कितने शून्य होते हैं तो मुझे गिनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका इस जब्ती से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में सिर्फ साहू को स्पष्टीकरण देना है। चिदम्बरम ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के कारोबार से पार्टी का संबंध नहीं होता है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि साहू के परिवारों से नकदी की जब्ती से पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है।